सॉफ्ट सस्पेंशन होने के बाद भी चिपक के चल रही है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। देखो 97 भाई, 3 डिजिट स्पीड ना इस गाड़ी में आप लोग बहुत ही आसानी से टच। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। भाई अभी मैं चला रहा हूँ निसान मैगनाइट, ठीक है, टर्बो चार्ज वेरिएंट। तो फिलहाल आप लोगों ने ट्राइबर का एक्सेलरेशन टेस्ट देखा है, ठीक है, आप लोगों को पता है कि उसकी एक्सेलरेशन कैसी है। काइगर की भी आप लोगों ने मेरे चैनल पर देखी है, तो फिलहाल वहीं आ गई है अब निसान मैगनाइट। तो इसका जो है थोड़ा सा हम एक्सेलरेशन टेस्ट करके देखते हैं। सेकेंड गियर है, ठीक है, 2000 RPM के आसपास है। देखते हैं पुल, देखते हैं, ठीक है, पुल कर रही है और काफी अच्छा पुल कर रही है। थर्ड गियर, मतलब 2000 RPM के ऊपर ना ये गाड़ी रुकी, देखो भाई स्पीड देखो, 2000 RPM के ऊपर ना मतलब ये गाड़ी बिल्कुल भी नहीं रुकती। काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है यार, काफी ज्यादा। और वही ना निसान ऐसी कंपनी है भाई, उन्होंने ना कहीं पे ना कॉस्ट कटिंग नहीं कर रखी ड्राइविंग डायनामिक्स में। अगर कॉस्ट कटिंग करनी है भाई मेटल शीट में कर लेंगे, फीचर्स में कर लेंगे, लेकिन जो ड्राइविंग डायनामिक्स है उसमें उन्होंने कहीं भी, अब देखो इसको मेरे को करना है ओवरटेक, भाई सिंपल मैंने एक्सलेट करा है और गाड़ी पुल कर रही है। टर्बो जो है किक इन कर गया यार, टर्बो किक इन कर गया यहाँ पे, बहुत सही परफॉर्मेंस देखो, 70-80, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है यार, चिपक के चल रही है, सॉफ्ट सस्पेंशन होने के बाद भी चिपक के चल रही है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। देखो 97 भाई, 3 डिजिट स्पीड ना इस गाड़ी में आप लोग बहुत ही आसानी से टच कर लोगे। मतलब इस गाड़ी में आपको पता नहीं चलेगा भाई आप कब जो है 3 डिजिट स्पीड पे पहुंच चुके हो। मतलब एक गाड़ी, ठीक है, जो वो 4-स्टार रेटेड है, ठीक है, इतने कम प्राइस में 10,50,000 के आसपास आपको इसका टॉप मॉडल मिलता है, ठीक है, टर्बो चार्ज वाले वेरियंट का, और नेचुरली एस्पिरेटेड का तो उससे भी सस्ता है यार। अब देख लो फिफ्थ गियर है, ठीक है, फिफ्थ गियर में मैं चेक बताता हूँ आप लोगों को। फिफ्थ गियर पे सामने ट्रैफिक है थोड़ा सा, अब देखो फिफ्थ गियर में मैंने 1500 RPM से उठाई है ये गाड़ी, 64 यार आगे ट्रैफिक है, ये नहीं जा रहा। भैया ऊपर चढ़ जाए यहाँ पे फ्लाईओवर पे, नीचे से तो पहले ये ट्रैफिक क्लियर करते हैं और फिर आपको एक और बार करके बताता हूँ मैं। अच्छा भाई यही देखो निसान मैग्नेट का ये चीज़ देखो, TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, भाई ये मेरे को बहुत सही लगा है। लोग कहते हैं कार्टूनिस्ट है वगैरह वगैरह, लेकिन भाई मुझे कार्टूनिस्ट नहीं लगा। यहाँ से ले लूँ यूटर्न, भाई मुझे ये बिल्कुल भी कार्टूनिस्ट नहीं लगा। ये देखो ये है एक, जैसे मैं करता हूँ क्लिक, दूसरा ये भाई टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, बहुत सही डिमिंग कंट्रोल, ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाता है कि आपको कितनी जो है डिमिंग कंट्रोल कितनी रखनी है राइट्स। और ये सबसे बेस्ट मुझे लगता है RPM प्लस स्पीडोमीटर, ये सबसे बेस्ट है। इसके बाद एक और आ जाता है ये फ्यूल इकोनॉमी का। तो भाई यहाँ पे देखो मैं कर रहा था इसका एक्सेलरेशन टेस्ट, और टेस्ट ड्राइव व्हीकल है यार ये, टेस्ट ड्राइव व्हीकल, तो उसके हिसाब से यहाँ पे 11.4 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि दिन में कितने लोग इसको चलाते होंगे यार, कितने लोग चलाते होंगे, उसके बाद भी जो है ऐसी एवरेज दे रहा है, सही है। जो कि अब भाई मैं आपको सिंपल बताता हूँ, अभी मैंने आपको एक्सेलरेशन टेस्ट करके बताया हाई स्पीड पर चलाई, अब देखो भाई मैं इसको चला रहा हूँ सिटी में। अब यहाँ पे सिटी में लोग कहते हैं यहाँ पे टर्बो लैग, टर्बो जो लैग है उसकी फील होती है, मतलब वो फील काफ़ी ज़्यादा है, एविडेंट है, काफ़ी एविडेंट है। अब देखो यहाँ पे मैं चला रहा हूँ, मुझे कोई भी एविडेंस जो है वो फील नहीं हो रही कि हाँ भाई टर्बो लैग मुझे फील हो रहा है। देखो सेकंड गियर में चला रहा हूँ, अभी मैं यहीं पर देखो स्पीड कम है, मैं यहीं पर थर्ड गियर भी कर दूंगा, देखो थर्ड गियर डाल दिया और भाई साहब थर्ड गियर में 19 की स्पीड है, थर्ड गियर में 19 की स्पीड और बिल्कुल भी वो नहीं कर रही। अब करना शुरू करा इसने थर्ड गियर में भाई, लेकिन फिर भी यार टर्बो चार्ज व्हीकल होने के बाद तो ये चीज़ें तो सही लगी यार, और सबसे बेस्ट लगी है इसकी TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये सबसे बेस्ट, ये ठीक है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है, सामने से आ रही है थार, एक बार इस रोड पे ले जाऊँ भैया दोबारा, अच्छा स्टेयरिंग रिस्पॉन्स की बात करते हैं यार। तो फिलहाल यहाँ पे ढूंढते हैं रास्ता जहाँ पे थोड़ी सी एक्सलेट इसको हम और करके देख पाएं। सेकेंड गियर पे चला रहा हूँ मैं फिलहाल, हल्का सा कहीं पे, अच्छा ये बम्प आ गया एक और बड़ा। सस्पेंशन इसके आवाज़ नहीं करते, जैसे ड्राइवर के सस्पेंशन की आवाज़ आती है ना हल्की सी आवाज़ आती है उसके सस्पेंशन की, इसके सस्पेंशन की आवाज़ नहीं आई फिलहाल, काफ़ी बड़ा है ये भी बड़ा है, देखना सस्पेंशन की आवाज़ आती है कि नहीं, थोड़ी सी आई। यहाँ पे ले जाए भैया, यहाँ पे हल्का सा मैं इसको एक्सेलरेट करके देखता हूँ, हल्का सा फर्स्ट गियर यार, भागने के लिए ना एवर रेडी है ये गाड़ी बिल्कुल यार।
भागने के लिए बिल्कुल तैयार है हर टाइम, मतलब जैसे ही आप पंजा दबाते हो ना भाई वैसे ही भागती है। अब यहाँ पे इसका कैमरा भी हम जो है देख लेते हैं एक बार। अच्छा खुद हो जाएगा। तो भाई ये है कैमरा मोड, अब यहाँ पे कैमरा मोड देख लेते हैं। मोड भी है इसमें, अगर पूरी स्क्रीन पे सिर्फ एक ही कैमरा चाहिए, सिर्फ रिवर्स वो नहीं है, ऐसे ही रहेगा। तो भाई कैमरा इसका यहाँ पे ऐसे ही रहता है, आप देखते हैं। लेकिन भाई बिल्कुल भी कैमरे पे मत करना यकीन, खुद भी देखते रहना। बस ये सही है इसका जो 360 डिग्री व्यू है ना, ये सही है। बाकी चार रिवर्स पार्किंग सेंसर्स इसमें आते हैं जो कि कॉस्ट कटिंग नहीं करी है, रेनो वाले 3 प्रोवाइड करते हैं, ये 4 प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट गियर में भी भागती है यार, भागती तो इतनी सही है ना। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि अगर आप गाड़ियाँ ले रहे हो ठीक हो, ठीक है, मतलब ट्राइबर जैसी और इसके नॉन टर्बो वेरिएंट्स ले रहे हो, तो उसके अलावा आप लोग चले जाओ इसके टर्बो चार्ज वेरिएंट्स पे, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती रहेंगे। बस मुझे एक कमी फील हुई है कि इसका एसी परफॉर्मेंस मुझे उतनी सही नहीं लगी। इसकी कम है ना, अभी वो कम की है ना उसकी। अच्छा 19 पे लो। अच्छा फैन स्पीड, फैन स्पीड तो चलो ठीक है, और बाकी लो पे कर दो। अच्छा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इसमें आपको मिल जाता है, इसके जो सेकंड टॉप मॉडल है उसमें भी मिल जाता है। इसके बेस रेट में भी यही है कि दूसरा है? बेस में नहीं, बेस को छोड़ के बाकी सब में ऑटो है। ठीक है ठीक है। तो फिलहाल मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस, मतलब जो वेन्यू है अब नई ब्रेजा लॉन्च हुई है भाई उसके मुताबिक मुझे तो इसका सही लगता है। देखो उनसे सस्ती भी है, उनसे ज़्यादा फीचर भी प्रोवाइड कर रही है और हैंडलिंग भी उनसे अच्छी है, उससे सही बात है सेफ्टी भाई सेफ्टी। वेन्यू का अभी तक क्रैश टेस्ट सेफ्टी रेटिंग नहीं आई है, लेकिन भाई 4 स्टार्स इसको मिले हैं, वहीं ब्रेजा को भी 4 स्टार्स मिले हैं, लेकिन ये उससे सस्ती है, तो मेरे मुताबिक भाई ये गाड़ी जो है वर्थ इट है। तो फिलहाल ख़त्म करते हैं यार इसी को, यहीं पे मिलेंगे आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में। और इंपॉर्टेंट जो वीडियोस हैं वो आपके लिए लेकर के आएंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ आपको किस टाइप की वीडियोस देखनी है, वो जल्दी लेकर के आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ठीक है, वीडियो को लाइक कर लो और शेयर कर लो। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है तो फिलहाल MR निसान यहाँ देख सकते हो आप अमृतसर में, यहाँ पे आकर के जो है आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हो ठीक है, कॉल करके भी पूछ सकते हो, यहाँ पे जो है डिलीवरीज होती रहती हैं ठीक है। और यहाँ पे जो है वेटिंग पीरियड, जैसे कि आपको पता है निसान मैग्नेट का काफी ज्यादा था, यहाँ पे वेटिंग पीरियड भी है। कितना है वेटिंग पीरियड यहाँ पे लगभग? मॉडल के ऊपर डिपेंड है, सभी मॉडल्स का अलग अलग है, लेकिन मेरे हिसाब से ना देखो यहाँ पे ना रश नहीं होता, तो मेरे हिसाब से तो यही है, मैंने तो यही एक्सपीरियंस करा है कि यहाँ पे उतनी ज्यादा जो भीड़ नहीं है और इनके पास स्टॉक भी अवेलेबल होता है। आप लोग कॉल करके पूछ सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा हूँ नंबर, इन पर आप कॉल करके पूछ सकते हो। तो फिलहाल मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में।